दिल्ली और महाराष्ट्र पर ओडिशा है तृतीय राज्य जोठी की प्लाज्मा थेरापी चिकित्सा कोरोना गुरुतर कोरोना रोगी मानंकु जोगाई दिया जिबा एवं संपूर्ण मागणारे मध्य जोगाई दिया जिबा। तो गतकाली ठारु ए सेवा आरंभ होईछि, उद्घाटन करिसेंती निजे मुख्यमंत्री। तीनटी मेडिकल रे कोविड हॉस्पिटल रे प्रथम प्रारंभिक पर्याय रे एही सेवा वर्तमान जोगाई दिया जिबा। तो केते सफल ए प्लाज्मा पद्धति कोरोना रोगी के क्षेत्र रे होई पारिबो ए प्रसंगरे आमे आलोचना करिबा। प्लाज्मा थेरापी गतकाल चारिज प्लाज्मा दान करते एसीबी मेडिकल कॉलेज रे, एसीबी मेडिकल कॉलेज को नोडल सेंटर भाव में कर तो जो मानु प्लाज्मा संग्रह संग्रह प्लाज्मा को गुरुतर कोरोना रोगी क्षेत्र में प्रयोग कर दिल्ली और महाराष्ट्र में ए चिकित्सा पद्धति सफल हो तृतीय राज्य भाव में ओडिशा ए पद्धति को अपणाई परवर्त समय सरकार पक्षर कह कोविड हस्पिटाल गुड़िक मध्य ए सुविधा उपलब्ध एवं जहाँ खबर आसुची जे कटक अश्विनी हॉस्पिटल रे जड़े कोविड रोगी क्षेत्र रे मध्य प्लाज्मा थेरापी प्रयोग करा जाई सारी। तो पूर्वरु मध्य अनेक संक्रमित रोगी रोग क्षेत्र रे ए थेरापी प्रयोग मध्य करा जाई छी। तो ये प्लाज्मा थेरापी केते सफल हो पारिबो यार चिकित्सा ए प्रसंग आम विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। आम सहित आज आलोचन जोड़ी होती डॉक्टर संदीप मिश्र अच्छा जे कि वरिष्ठ वैज्ञानिक अच्छा आईएलएस एवं आम सहित अच्छा डॉक्टर जयंत पंडा मुखपात्र राज्य वैषयिक कोविड कमिटी आपको स्वागत करुच्ची। प्रथम डॉक्टर जयंत पंडा आपको जवाक चाहिए प्लाज्मा थेरापी गोटे कह बड़ भूमिका वर्तमान तुलाइब गुरुतर कोरोना रोगी खासकर मृत्युहार को कमई पार। तो जो मैंने आम दर्शक रही साधारण दर्शक तो प्रथम जानवाक आम चाहबू जो ये जो प्लाज्मा थेरापी यार सफलता हार के रही वर्तमान आम देश में यहाँ कि भाव में कौ स्तर रोगी क्षेत्र में बेसी उपाद हो पार। प्लाज्मा थेरापी एमती एक ट्रीटमेंट जहाँकि भल हो सारी जो कोविड रोगी से मानकर रक्त रु 4 सप्ताह पर प्लाज्मा एंटीबॉडी सह संग्रह करा जाए था और जो मैंने मध्यम रु अति गुरुतर अवस्था को जाऊ था जमीक ऑक्सीजन सेचुरेशन कमे स्टेरॉइड देलापर मध्य से इम्प्रूव करती साइटोकाइन स्टॉर्म कंट्रोल हुए नी जो मैंने शॉक रे आईसीयू रे से लाभान्वित होती किंतु जेहेतु यह गोटे जनक शरीर गोटे ऑर्गेनिक मटेरियल यह भी संभावना थाए कि रिएक्शन देहर हो पारे तेणु अति सतर्कतार सह यह व्यवहार करिवा पड़े। यह नुहे जे समस्त को आम प्लाज्मा दे परिबा बा जार प्लाज्मा भी कलेक्ट कर परिबा तेणु ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करा जाए ग्रुप मैच्ड प्लाज्मा दिया जाए और जो माने कलेक्शन करने भी बहुत रेस्ट्रिक्शन अच्छी जो माने कि वयस्क लोक कोमोर्बिडिटीज अच्छी स्त्री लोक गर्भधारण करते आम कलेक्शन कर पारना और जो माने रिसीव करती से मानकर सतर्कता निजाए आम टेक्निकल कमिटी एसेस करी निश्चित हवा दरकार जी रोगीटी यही प्रकार थेरापी रु इम्प्रूव कर आम अतीत विभिन्न राज्य जमीती दिल्ली केरल पंजाब कर्नाटक जो मैंने कि आईसीएमआर रु परमिशन नहीं कि यहाँ आरंभ करते तहार फलाफल देखीचे अन्य देश में मध्य तार व्यवहार हो पॉजिटिव रिजल्ट्स आसी जदिओ किछि मात्रा रे रिस्क अच्छी तापाई आम सतर्कता अवलंबन करुचे और आईसीएमआर ताकु आखि आगे रखी गाइडलाइन फिक्स करिछि ओडिशा रे आमको अलाउ करिछि और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री आरंभ कला परे गतकाली आमर प्रथम प्लाज्मा अश्विनी हॉस्पिटल रे जने 48 वर्षीय कोविड रोगी को दिया सारी। डॉक्टर पंडा आम कोरोना कथा जदि देखा वर्तमान सुधा आम देश में कोरोना क्षेत्र में प्लाज्मा थेरापी प्रयोग केते सफल रही केते प्रतिशत सफल रही आपण जानते जे आईसीएमआर प्रथम रु प्लाज्मा थेरापी पाई ग्रीन सिग्नल दे नथिला गो हेड दे नथिला आमे गत 3 मास हेलाणी आईसीएमआर रो परमिशन पाई अपेक्षा करथिलु किछि राज्य तांकर केस लोड को नहीं प्रॉब्लम को नहीं स्पेशल परमिशन नहीं आरंभ करथिले
किंतु वर्तमान देश में जो डाटा अच्छी ऑब्जर्वेशनल डाटा ताहा बहुत प्रमिजिंग पाखापाखि 70-80% लोक जो मैंने प्लाज्मा ग्रहण करते इम्प्रूव करिसेंति बा आरोग्य लाभ करिसेंति किंतु सही डाटा को एनालिसिस करी गोटे सिस्टमेटिक पब्लिकेशन करिवा दरकार जहाँकि समय सापेक्ष निश्चित आसंता दिन रे आसीजिबो किंतु वर्तमान रो जो ऑब्जर्वेशनल डाटा विभिन्न सेंटर रु स्पेशियली दिल्ली रु अच्छी ताहा एनकरेजिंग किंतु एग्जाक्ट परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स रिकवर्ड विषय रे वर्तमान कोनोसी कंक्रीट डाटा हम पाखरे नहीं। ओके डॉक्टर पंडा मुझ आपको आसबी सीत संदीप मिश्र अच्छा वरिष्ठ वैज्ञानिक आईएलएस सहित जोड़ी होती सीत मिश्र प्लाज्मा थेरापी ओडापी खासकर कोरोना मुकाबला क्षेत्र में आपको लगुच सफल जो कथा डॉक्टर पंडा कहते रिस्क रही किंतु आशा भी बहुत रही बहुत उपादाय मिल पार खासकर गुरुतर कोरोना रोगी क्षेत्र में देखो जिते आम पाखे कौन सी विकल्प ना जथा आम पाखे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अच्छी डेक्सामिथाजन अच्छी एंड रेमडेसिविर अच्छी किंतु मनकर से गुड़ा सब कम दौनी एंड गोटे लोक ऑलरेडी वेंटिलेटर भितर गला जोटा कहा जाए थर्ड स्टेज गला से क्षेत्र में आमको एटा ट्रायल बेसीस आईसीएमआर अलाउ कर ट्रायल बेसीस फेज टू किंतु कन्फर्म होनी आहरी कारण या आहरी स्टडी दरकार यार साइड इफेक्ट भी आम जाने सो एटा निश्चय लोक मन में गोटे आशा संचार कर भल या आज फार आज के लोक भल हो देखु एटा गोटे ट्रेडिशनल थेरापी इवेन 1908 मसीह जो स्पानिश फ्लू होता से भी प्लाज्मा थेरापी होता किंतु लोक मैंने मर भी जाते जिते इबोला आउटब्रेक है प्लाज्मा थेरापी बिल्कुल कम देलानी आपणकर सार्स बेलू कि स्वाइन फ्लू बेलू प्लाज्मा थेरापी पुणी ट्राए कराला किसी मात्र सफल होगा यापर जोटा डॉक्टर पंडा कहले जे गोटे स्टडी निर्दिष्ट स्टडी दरकार यस मुझे आगे रोली ह्यूस्टन ये गोटे मेथडिस्ट हस्पिटाल अच्छी जोटी की मात्र 24 जन इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 24 जन रोगी को लेकर गोटे स्टडी कराई थी कितु से कंट्रोल ग्रुप मिसिंग थिला से 11 जन 9 जन भल हो गले 11 जन इम्प्रूव कले बाकी 4 जन रेस्पोंड कले सो यार साइड इफेक्ट एटा पब्लिश हो मोस्ट लाइकली अमेरिकन जर्नल ऑफ पैथोलॉजी रे किंतु ये बहुत शॉर्टकमिंग्स अच्छे आमको गोटे निर्दिष्ट स्टडी दरकार बहुत सैंपल रैंडमाइज्ड स्टडी जोड़ा सेटा हेला परे गोटे पियर रिव्यूड जर्नल एक्सेप्ट हेला परे बोध हुए आईसीएमआर कि एफडीए जो मैंने प्रोविजनली अलाउ करते परमिशन देवे एंड दिल्ली एंड महाराष्ट्र क्षेत्र में यस टू सम एक्सटेंट बहुत कार्य करुच्छे एंड आम पाखे तो विकल्प नहीं तेणु वी हाव टू गो फर दैट बाट ना कारण सफल जो क्या कहे कि स्टडी आवश्यकता रही मुश्चित मिश्र आप आसबि मुझे थे फिर भी डॉक्टर जयंत पंडा पाखक जो कथा कहला कहते जो मान कलेक्ट कर प्लाज्मा से क्षेत्र में सतर्कतार अपनबार अच्छी कारण जहाँ अणाई पार ना जी ना सी दे पारे केवल जो माने कोविड आक्रांत होता 28 दिन पर पारे और रही कैटेगोरी रही तो कौन को माने ये भितर आसवे इलिजिबल हे जो माने कि चाहिए प्लाज्मा डोनेट करने तो से कौन क्राइटेरिया रही को मानकूर अंतर्भुक्त करा जाए जो मानक संग्रह कर प्रथम क्राइटेरिया हला से माने कोविड रे आक्रांत होई आरोग्य लाभ करथिबे अनेक लोक भावुचंती जे जे कोनोसी व्यक्ति देई परिबो आमे अन्य मानक थु भी अप्रोच पाउचु किंतु से माने आक्रांत होइथिबा कथा ओ आरोग्य लाभ करथिबा कथा एठी गोटे जिनस म कहूची आरोग्य लाभ कला परे मध्य जणंकर एंटीबॉडी लेवल भिन्न भिन्न हो पारे जो मानक पाखरे सामान्य लक्षण अछि जो मानक पाखरे गुरुतर रोग अछि से मानकर एंटीबॉडी लेवल भिन्न भिन्न और से मानकर एंटीबॉडी परीक्षा मध्य आमे करूचे
तो द्वितीय कथा होला रोगीकर बयस 18 60 भितरे हेथिबो ओजन 55 रु ऊर्ध हेथिबो ओ एमिति किछि कोमॉर्बिडिटी बा इलनेस नथिबो जहा कि तांकु बहुत सिक कर देथिबो बा कंट्रोल रे नथिबो जेमिति कि उच्च रक्तचाप डायबिटीज हृदरोग किडनी रोग श्वास रोग कैंसर एचआईवी टीबी जो जो माने एथेरे पीड़ित अछंती से मानको ठु आमे नॉन ओबा श्रेयस्कर भाबू कहीं से माने डोनेशन पई एप्रोप्रिएट नुहंती आ द्वितीय कथा हला स्त्री लोक माने जो माने गर्भधारण करिछंती कहीं थरे गर्भधारण कला परे आमर देहरे विभिन्न एंटीबॉडी फॉर्म हुए कहीं गोटे मेल स्पर्म आ फीमेल ओवम रो जो कॉम्बिनेशन रे जो प्रेगनेंसी हुए से आम एचएलए एंटीबॉडी आसे और विभिन्न एंटीबॉडी सर्कुलेशन रे आसे जहाँकि आम लंग्स बा फुसफुस को क्षति पहुँचबार संभावना थाए से जगह जो जे नली पारस थे भी गर्भधारण करना से स्त्री मैंने ही प्लाज्मा दे पारे और जो मैंने ब्रेस्ट फिडिंग करूड कराए तो ओवरअल गोटे हेल्दी पुरुष बा हेल्दी स्त्री स्त्री मैंने जे गर्भधारण करेंगे ब्रेस्ट फिडिंग करून थे पुरुष मानकर कोमॉर्बिडिटी नथिबो बा थिले भी भल नियंत्रण रे थिबो 18 रु 60 वर्ष भितरे 55 केजी उपरे से माने ही प्लाज्मा दे परिबे तो इते क्राइटेरिया भितरे आपन को लागु छी जे जो माने डोनर से माने अवेलेबल हेबे अधिक परिमाण ने जो मान को प्लाज्मा संग्रह करा जाई परिबो आमे भल रेस्पोंस पाइछु खाली गोटे गैप रहीगला जे 4 सप्ताह पर ही से माने पारे भल हबार 4 सप्ताह पर कहीं एंटीबॉडी फॉर्म हाँपी आमको 4 रु 6 सप्ताह लगी थाए से जिते बड़े एडमिशन होम पाखे परमिशन नाला तो आम से मतामत नहीं नु कनसेंट नहीं नु तो आमको बर्तमान टेलीफोन जोगे से जोजोग करवाक पड़ी और जो मैंने राजी होती आनी प्लाज्मा संग्रह करार व्यवस्था करवाक पड़े परीक्षा कर स्वास्थ्य परीक्षा करी तंगरो विभिन्न प्रकार ग्रुपिंग क्रॉस मैच करी ए सिस्टम रे इंक्लूड करिया को पड़ुची तो आमर जो डाटाबेस अछि से डाटाबेस भितर जो जोगाजोग करा जाउची आमर गोटे ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलिची माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध परे माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनुरोध परे आमर ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ से कहवा परे डीएमईटी सर कहवा परे अनेक क्षेत्र जितेबाला से देखुंट से भावुं आम पुनर्जीवन पाइचु आम आरोग्य लाभ करिचु समस्त सदिच्छा चिकित्सा जदि आमर प्लाज्मा जनकर जीवन बंचवार साहाज्य करे ताठो भल दान कौन हम यह गोटे महत् दान भाभी अनेक लोक आग्रह प्रकाश कर जो फिटनेस डोनेशन ताकू केवल परीक्षा कर निश्चित जेहेतु आम पखापाखि 10,500 रोगी को बर्तमान सुधा आरोग्य कलु निश्चित भाव एमती अंतत पक्षे 1,000 रोगी आगे आसबे जो मैंने कि प्लाज्मा देबे ओ 500 ml गोटे प्लाज्मा आम जनकठ अप टू 500 ml कलेक्ट करिपरिबा ओ ताकु विभिन्न रोगी को देपरिबा पाखापाखि 9,000 टंका खर्च हम जनकठ प्लाज्मा संग्रह लगी एत एक्सपेन्सीव कहीं व्यवस्था देखंतु जो मशीन से व्यवहार हुए यह गोटे एफेरिसिस मशीन आम रोगीर सेल्स बा आरबीसी डब्ल्यूबीसी जमा ग्रहण करूना से मशीन रोगीर रक्त को छाणी केवल प्लाज्मा और एंटीबॉडी निए और अन्य सबू कंपोनेंट रोगी देह को पुणी फेरे दिए जो तार किट्र कॉस्ट केवल पाखापाखि 4,000 टंका आसा छड़ा से मानकर लॉजिस्टिक्स से नवा आणवा ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग अदर एनसिलियरी टेस्ट पाखे एचआईवी अच्छी कि नहीं हेपाटाइटिस अच्छी कि नहीं अन्य गुरुतर रोग अच्छी कि नहीं जहाँकि प्लाज्मा द्वारा रिसीपिएंट को ट्रांसफर हो पारे तार परीक्षा कर सब खर्च मिसई पाखापाखि 9,124 टंका जन को खर्च हो राज्य सरकार बहन करिवार प्रतिश्रुति देइछन्ति ओके डॉक्टर पंडा मुझे आसबि मु पुनि थरे डॉक्टर संदीप मिश्र पाखु जिबाकु चाहिबि जो कथा डॉक्टर पंडा कहुतले जे रिस्क फैक्टर रही है आपण मध्ये कहुतले गोटे कमिटी एक आनालीसीस कर को पेसेंट क्षेत्र में किभली भाव में प्रयोग करा जिबो तो जो कमिटी आमर रही जो टीम आमर रही आनालीसीस कर जो एक्सपर्ट मान रही कारण प्रथम थर पर आम राज्य में जेहेतु एक अप्लाई करा जाउछि
तो आपको लगुच से एक्सपर्टाइज आम पाखे रही बा से अभिज्ञता रही जहाँफल कि एक सफलतार सहित आम अप्लाई कर पारिबा कोरोना रोगी मान क्षेत्र में यस डेफिनेटली आम पाखे एक्सपर्टिज अच्छी बहुत बड़ बड़ डाक्तर से इनवल्व अच्छा एंड जोटा डॉक्टर पंडा कहते जार कोमोर्बिडिटी थी जहाँ डायबिटीज थी जार हेपाटाइटिस थी कि एचआईवी इनफेक्शन थी से मैं नहीं पार्वानी कितु ये जो ओवरवेलमिंग गोटे रेस्पन्स आसी लोकों भितर आहरी आसव जदि लोक एजुकेट कर दि जाए जे एक्चुअली आम जो प्लाज्मा नौचे से जो रोगी मैंने भल होती अठाईस दिन और चार सप्ताह पर कलेक्ट करा से मात्र आम मनकर 500 ml प्लाज्मा ग्रहण कले आमर से जो ब्लड अलग जो सेल्स रेड ब्लड सेल हो व्हाइट ब्लड एट सब पुणी रिजेक्ट कर दि जा फेरे दि जा मात्र 4-5 घंटा भितर से मैंने पुणी से प्लाज्मा लेवल डेवलप करें मात्र 4-5 घंटा भितर तेणु ये कौन से डरबार नहीं को गोटे भल और आम गोटे भल कम कर सोसाइटी बेनिफिट पे विचार उचित एंड यस आपणकर जो क्वेश्चन रोचे एत रोगी आगे आसवे कि ना ये आज डेट्रे जिते लोक आक्रांत होती सुस्थ भी सही रेट्रे जदि तक कम सुस्थ भी होती सो भीतर निश्चय एंटीबॉडी डेवलप करुव कि आमको किसी क्राइटेरिया मेंटेन करा पड़ो से क्राइटेरिया गुड़ा ऑलरेडी आईसीएमआर फिक्स करी एंड से गाइडलाइन अनुसार डॉक्टर मैंने निश्चय आई मीन प्लाज्मा संग्रह करेंगे एंड जो मैंने ये दुईट सर्त रे दब सी तो एथिकल कमिटी अनुसार एग्री कर पड़ो एवं जी नब सी नदे भी जदि सी भेन्टिलेटर भितर पड़ तार कौन से रेस्पन्सिबल परिवार मेंबर से मैंने भी कनसर्न देवा पड़ो कारण यार जब बैड कन्सिक्वेन्स हुए आम डायरेक्टली प्रूफ कर पार्वानी जे प्लाज्मा देदेले जे खराब हो गला सेमता प्रूफ कर पार्वानी किंतु किछि यदि बैड कन्सिक्वेन्स हुए से सी दायी आम कमिटी दायी हेनी बट आमर डाक्तर मैंने बहुत संवेदनशील से मैंने बहुत एक्सपर्ट ये अच्छी एक्सपर्टिज अच्छी एंड मुझुनि यहाँ गोटे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम कारण ऑलरेडी गोटे फिक्स्ड गाइडलाइंस आईसीएमआर द्वारा होती एज वेल एज एफडीए अमेरिका द्वारा होती एंड यहाँ सेकेंड फेज मन रखु यहाँ ट्रायल बेसीस यहाँ गोटे फाइनाल रिजल्ट गोटे आमको गोटे फाइनाल डायरेक्शन देख तो फाइनल डायरेक्शन देखेबा ट्रायल बेसिस रे वर्तमान करा जाउछि डॉक्टर जयंत पंडा मु फेरबि अपन पाकु जो माने रहिबे जो माने दाता रहिबे प्लाज्मा डोनेट करिबे तो थरे जो माने दान कले से माने पूर्णी परवर्ती समय रे जदि दान करियाकु चाहिबे सेति पई केत दिन अवधि दरकार एवं द्वितीय कथा हला जो कथा कहा जदि दुई दिन सेति पई जो माने दान करि दुई दिन से मानकु रहियाकु पड़िबो तो ए प्रक्रिया कोत पई दुई दिन काहे कि आवश्यक जो माने दान करिवे जेमती अपन सुनिले वर्तमान सुनिले जे निहाती भावरे दि घंटा रु तीन घंटा भितर तांकर प्लाज्मा पुणी तैयारी हिजबो आम देहरे 5 लिटर रक्त सर्कुलेट करुथाए आम जदि सेथिरु 500 ml प्लाज्मा ग्रहण कले बॉडी ताकु कंपेनसेट करिवा पई जस्ट टेक आवर्स दि घंटा रु तीन घंटा भितर यह निश्चित भावरे आउथरे तैयारी हिजबो तो द्वितीय कथा हला दी दिन रहिबा कथा आमर आमे सेमानकु दी दिन रहिबा पई बिल्कुल बाध्य करूनु आमे तांकर प्लाज्मा संग्रह कला परे तांकु तांकर पुणी स्वास्थ्य परीक्षा करिकी तांकु किछि मृदु पानीय देकी तांको जो वॉल्यूम लॉसटा हला जो जनकर सर्कुलेशन रु 500 ml प्लाज्मा नियागला जो वॉल्यूम लॉस हेला ताको कंपेनसेट होबा जाए 2 घंटा धरंतु ताको सेही समयटा रखुचे सेथिरे किछ ताको मृदु पानीय दउचे ताको विश्राम करउचे तांकर ब्लड प्रेशर ओ अन्य स्वास्थ्य परीक्षा करउचे ओ ताको ताको घरे पहुंचेबार व्यवस्था करउचे जदि से चाहंती बा राजी हुंती अंततः पक्षे
15 दिन भितरे से पुणी आउ थरे प्लाज्मा दान करिपारिबे काहेकि ना तांको देहरे जदि एंटीबॉडी टाइटर भल अछि ओ से राजी होउछन्ती आ तांकर स्वास्थ्य अवस्था पुणी नॉर्मल को फेरी आसुचि तो से जदि राजी होउन्ती पुणी 2 सप्ताह परे प्लाज्मा दान करिपारिबे ओ से प्लाज्मा मध्ये अन्य रोगींकर कामरे आसि परिबे जो लोकमानक मनरे मध्य किछि आशंका थाई पारे आपण कहिले एवं डॉक्टर मिश्र मध्य कहुतले जे पुणी थरे एटा गोटे माने भयभीत हबार नाही एवं से कथा आपण निजे मध्य कहिले जे 5 घंटा भितरे डॉक्टर मिश्र मध्य कहुतले सेटा पुणी रिकवरी हो जाए तो जो माने प्लाज्मा देबा पई आग्रही अछंती जो माने सुस्थ होइछंती कोविड पॉजिटिव जो माने थिले तो तांको पई गोटे क्लियर मेसेज किछि देबा को चाहिबे कि न्यूज 18 माध्यम रे जे फलर से माने आग्रह प्रकाश करिवे डोनेट करिवा पई प्लाज्मा मु निश्चित भाव रे आपण को माध्यम रे समस्त को अनुरोध करबा को चाहिबि ईश्वरक कृपारु ओ समस्त को सदिच्छारु सरकारक सदिच्छारु ओ प्रचेष्टारु जो माने कोविड भली मारात्मक भूताणु आक्रमण रु रक्षा पाइचंती तांको देश प्रति जाति प्रति राज्य प्रति ओ तांकर जो को सिटीजन बा अन्य नागरिक मानक प्रति कर्तव्य रे से माने खिलाफ करिवेनी यदि से माने रक्त दवा पई आगे आसंती तो निहाति भाव रे रक्तदान महापुण्य ओ प्लाज्मा दान हला एक महत् दान आउ ताकु जदि आपण पॉजिटिवली ग्रहण करुछंती आपणकर किछि क्षति होनी आपण रोगरु रक्षा पाई जाइछंती ओ आपणकर प्लाज्मा आउ जणकर आवश्यक तारे आउ जणकर कामरे आउ जणकर जीवन बंचाइबारे आसुची तो मु निश्चित जे समस्ते ए जिनस जानला परे दवा पई आगबर हबे हेले आपनको माध्यम रे मु समस्तनको प्रार्थना करूची निवेदन करूची जे अनेक संख्या रे आपण माने आगे आसंतु जेमति कि आमे यार सुविधा अनेक गुरुतर रोगी को देई परिबा ओ तांको जीवन बंचाई परिबा जेतेबेळे जणकर प्लाज्मा संग्रह करा जिवो से संपृक्त डोनर कट र एंटीबॉडी टेस्ट करा जाय कि ता पूर्वरु बा कोविड टेस्ट आउथरे पुणी करा जाय कि निश्चित भाव करा जाए जो माने को आम डाकिले रक्त संग्रह करा जाए और रक्त आम ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग सह एंटीबॉडी परीक्षा आम आरएमआरसी भुवनेश्वर रे करूँ और कोविड परीक्षा मध्य करा जाए ता छड़ा अन्य भूताणु जीवाणु परजीवी इनफेक्शन रक्त अच्छी कि ना जोटा कि नॉर्मल प्रोटोकॉल गोटे ब्लड ट्रांसफ्यूजन तार परीक्षा करा जाए तो ये सब परीक्षा रिपोर्ट दुई दिन पूर्वरु एथिपाई प्रस्तुत हेबाकु पड़िबो तो सेथिपाई आमे रोगी को विशेष कष्ट न दे बेले बेले आमे डाक्टर टीम को पठाई थाउ ए क्षेत्र रे गतकाली जहां हेथला आमरो एसिव मेडिकल कॉलेज रो डाक्टर टीम जाई कि रोगी को ठो रक्त संग्रह करके आनी कि तांकर सब परीक्षा निरीक्षा करके तांको उपयुक्त हला परे तांको आनिबार आमे बंदोबस्त करथिलु जदि रोगी चाहंती बा रोगी को पाखरे समय थाए से आसी रही कि परीक्षा करिकि मध्ये देई परिबे नहले तांको रक्त संग्रह करके रक्त परीक्षा ठीक आसिला परे तांको प्लाज्मा दान पई अणा जाई परिबो ताहा भी मध्ये संभव ये आज्ञा ये कटक भुवनेश्वर रे पाखापाखी अंचल रे होय त एटा संभव हे पारे किंतु जो माने बाहर जिल्ला रे रही छंती दूर दूरांत रे रही छंती तो सेमानक क्षेत्र रे जो माने डोनर रही छंती सेमानक क्षेत्र रे केमती एटा सहायक हे परिबो प्रत्येक स्थान केवल गोटे रातिर डिस्टेंस आपण ओडिशा भितर एमती कोनोसी जगार अपहंच नाही जहाँकि आपण 6 घंटा रु 8 घंटा भितर पहुँची पारिबेनी तो सरकार सबु जगार एसएस अच्छी आम प्रत्येक जगार डोनर को आनी पारिबु पुणी नेकि छाड़ी पारिबु आगुको योजना अच्छे अलग जो रही राज्य विभिन्न स्थान जो कोविड हस्पिटाल गुड़िक रही से चिकित्सा उपलब्ध कराइबे ना केवल तीन टी हस्पिटाल क्षेत्र में सीमित रहा
ଗତକାଲି ଆମର ଅନରେବୁଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓ ଏହି ଯେଉଁ ତିନୋଟି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁବିଧା ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ଓ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଡିସିଜନ ସରକାର ନେବେ ଓ ତାହା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ ଅନେକ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ସୁବିଧା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଜିଟିଭ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗେଇ ଆସିବେ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ କୁହାହେଉଥିଲା ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ବି ଗୋଟେ ମହତଦାନ, କାରଣ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଜମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ କଲେକ୍ଟ କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟର ଦେଖିକି ଆପଣ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଜମା କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେବ ଯେଉଁଟାକି 4-5 hours ଭିତରେ ପୁଣି କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ୟେସ୍, ଆପଣ ସେଇ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃଦୁପାନୀୟ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡାଏଟ୍ ଦିଆଯିବ, କିଛି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ସ୍ମୋକିଂ କରିପାରିବେନି କି ଆଲକୋହଲ ଅଲସୋ ଇଜ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, ବଟ୍ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍। ଆପଣ ତାପରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଇଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର 28 days ଅର୍ 14 days ତାର ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି ଥିଙ୍ଗ୍, ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦାନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆଣ୍ଟିବଡି ଆପଣ ଦେହରେ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଟିବଡିଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଜମାରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଖବର ପହଞ୍ଚାଯାଉ ଯେ ୟାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟାଲ ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ। ତ ନୂଆ ଥେରାପି, ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଡୋନରମାନଙ୍କର, ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ଦୁଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ତ ସମୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।